तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपको अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी व्लॉग्स। तो गाइस, आप लोगों को एक गुड न्यूज देनी थी। तो भाई अपने इंस्टाग्राम पे 30K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और भी तुम्हारे भाई ने इंस्टाग्राम पे फनी फनी रील्स भी डाले। भाई जाके देखो, तुम्हें मजा आएगा। ये रही अपनी इंस्टाग्राम की आईडी, जल्दी से जाके सारे भाई फॉलो कर लो। और भी ये जो आज वीडियो बन रही है, अपने चैनल पे 300 भी वीडियो डलेगी। भाई अभी वीडियो बनाते बनाते पता नहीं कब इतनी सारी वीडियो डलगी। अभी आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। अभी अपने यूट्यूब पे जल्दी से 5 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट करा, बस 30-40 हजार की कमी है। अभी भी सानू भी रेडी, और सानू के स्कूल में पार्टी। अरे मुंह छिपा के कौन खड़ा हुआ भाई, तो सानू है। जल्दी गाड़ी में बैठो, बाय वहाँ, चलो बैठो जल्दी। हेलो गाइस, आज मेरी पार्टी है। ये देखो भाई, सानू की गाड़ी, यूनिकॉर्न वाली गाड़ी। ओ भाई साहब, सानू स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रखी है भाई, इसलिए फुल स्पीड में चलते हैं भाई। तो भाई सानू का स्कूल भी आ चुका है। तो भाई अभी सानू का तो स्कूल में ड्रॉप कर दी। सानू की मैम मिली थी, वो बोल रही थी कि भाई मेरी बहन के बेटे भी आपके ब्लॉग देखते हैं, आपके बहुत बड़े फैन है। सो गाइस, अभी मैंगो का सीजन चल रहा था, इसलिए आम भी ले लिए भाई। भाई मैंगो शेक तो मेरा फेवरेट है, जाते मैंगो शेक पीता हूँ। ट्रैक्टर देखो भाई कैसे बीच में खड़ा है, एक टक्कर मारता हूँ उधर पलट जाएगा। तो भाई अभी तीनों बंदे इकट्ठे तो हो चुके हैं भाई। वो ताबीज बांध लिया तूने रात को? यार पता नहीं, मैं घर पे जाते ही सो गया, मैंने पॉकेट में डाला था, उसके बाद मिला ही नहीं। होता ताबीज कहाँ गया यार, फिर से खोदे इसने ताबीज। तू पागल है यार भाई, वो फ्लैट साइड तो नहीं गिर गया? कल हड़बड़ी में भागे थे, वहाँ से कहीं मार रह गया वो। भाई मैं घर जाते ही सो गया था यार, 2 दिन से नहीं सोया था मैं, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि वो बांधना, नहीं तो मैं सोने से पहले बांध ही लेता भाई। अब दोबारा उस पंडित जी को बताए कि इसने खो दिया था वो दोबारा। चल भाई एक बार फ्लैट साइड देख ले, वहाँ पे ही होगा मेरे ख्याल से। अब तो पंडित जी दोबारा बनाएंगे भी नहीं, दो बार तो हो चुका भाई, पंडित जी के पास नहीं जाएंगे। वैसे भी नहीं, वो ताबीज दोबारा से घुमा दिया। अभी भाई बोल रहे कि वो भागते टाइम मेरे ख्याल से फ्लैट साइड गिर गया था। अभी एक बार फ्लैट साइड जा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं भाई, अगर वहाँ पे नहीं मिला तो भाई दिक्कत हो जाएगी। वैसे अभी फ्लैट पे तो आ चुके हैं, एक बार ऊपर जाके देख के आते हैं, वरना यार जहाँ पे तू भागा था ना सीढ़ी वगैरह में, एक बार वहाँ पे भी देख के चलेंगे ध्यान से। अभी कहीं नहीं पड़ा यार, तू सीढ़ियों से आ भाई। सीढ़ियों में नहीं था? नहीं था, अभी अंदर देख लेते भाई। भाई कहाँ गिर गया है ऐसा? देख बैठ बैठ के नीचे भाई। अभी सारे फ्लैट पे ढूंढ लिया, वो ताबीज कहीं पे भी नहीं मिला, ना सीढ़ियों पे ना कहीं पे भाई, बैठ बैठ के नीचे भी देख लिया। चल यहाँ से निकलते अब। भाई अभी फ्लैट पे तो देख लिया था। हेलो, हाउस को रख लियो हमें, रख लो उसको, वो घर पे ही है यार। मम्मी ने झाड़ू निकाली ना, तब देखा वो बैठ के नीचे गिर गया, कैसे गिरा पता नहीं। अब भाई तो अभी तो रात को कुछ दिक्कत नहीं हुई भाई। गाइस एक बार सीधा घर साइड जा रहे भाई, पहले विनीत का ताबीज उठा लेते। तो गाइस अभी घर साइड जा रहे थे भाई, विनीत अजीब सी जिद करने लग गया, बोला कि भाई ताबीज बाद में बांध लेंगे, वो तो सेफ रखा ही हुआ है। बोला कि भाई जिम में चलो। भाई जिम में चल यार, बहुत दिन हो गए भाई जिम में गए हुए। भाई अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी जिम करना ठीक नहीं होगा तेरे लिए। अरे जिम करूंगा तभी तो ठीक होऊंगा भाई। ये क्या बात करता है यार? यार वो उस दिन हॉस्पिटल में तो यार दिन में ही आ गया था। काम करते जिम साइड ना, 2-3 बंदों को और बुला लेते हैं, अगर बाय चांस वो आता है ना तो उसे वहीं पकड़ लेंगे। भाई अभी पहले जिम साइड जा रहे हैं। भाई अभी स्पोर्ट्स की शॉप है भैया, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। विनीत चैलेंज दे रहा है, जो भी यूट्यूबर भाई विनीत के साथ बॉक्सिंग मैच करना चाहता टेस्ट करने यार। तो भाई ये श्री श्याम स्पोर्ट है, बालाजी शेक वाले के बिल्कुल साइड में। ये अपने नॉन की शॉप है, अगर किसी को भी कुछ चाहिए ना यहाँ से आगे ले लेना भाई, मेरा नाम ले देना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस अभी जिम में तो आ चुके भाई, सारे बंदे इकट्ठे हो चुके हैं। ये देखो भाई चप्पलों में यहाँ रखा है, कुछ शर्म आया है। गाइस अभी जिम कर रहे थे, मोहित का फोन चोरी हो गया भाई, किसने चुराया भाई? भाई मोहित का फोन नहीं मिल रहा। नहीं मिला, कैमरे लगे हैं। गाइस मोहित का फोन तो मिल गया, यहाँ पे शेकर के नीचे रख रखा था पागल। फोन रोने लग गया था कि फोन नहीं मिल रहा? रोने लग गया था। तो गाइस अभी वर्कआउट तो हो चुका था, अभी भाई निकलते हैं। सो गाइस अभी जा रहे हैं भाई बादाम रगड़ा पीने जा रहे हैं। भाई विनीत को बेचारे को इतने दिन हो गए बादाम रगड़ा भी नहीं पी पाया, तो ठीक है ना, अब घर पे जाके ना नहा धोगे उसको, पहन लियो ताबीज को, ठीक। सो गाइस अभी अपना बादाम रगड़ा भी आ चुका। तो गाइस अभी अपने सब्सक्राइबर मिले, राम राम जी। सांस क्यों चढ़े हो, कहाँ से आए हो? अच्छा वो तो शुगर है, मैंने गाड़ी रोक रखी थी। सो गाइस अभी विनीत रोहित को भी उतार दिया था, अभी मैं भी घर साइड जा रहा हूँ। तो भी घर पे आके खाना पीना खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था, मम्मी ने उठा दिया। अभी बाजार से सामान लिया, अभी नहा दोगे मैं तो रेडी हो चुका हूँ, मार्केट से सामान लेने जा रहा हूँ, वरना मम्मी खाना भी नहीं देगी। ये भगवान क्या जुलुम है। तो
गाइस अभी रोहित की कॉल आई थी मेरे पास, एक बार उसको उठा लेता हूँ पहले। क्यों फोन कर रहा है तू मेरे पास? मेरे को सामान लेने देगा या नहीं? सामान नहीं ले गया ना, घर वाले खाना भी नहीं देंगे। भाई तू खाने की छोड़ भी नहीं, इतने दिन से परेशान था, मुश्किल से ठीक हुआ। कहीं एडवेंचर पार्क या ट्रैम्पोलिन वगैरह में लेके चलते हैं। फिर एक काम करते हैं भाई, स्नो वर्ल्ड में चलते हैं, गर्मी भी इतनी हो रखी है, वहाँ पे इतनी बर्फ मिलेगी, मजा आ जाएगा। तो कर लेना इसके पास फोन। यार उसे कॉल कर रहा था, मैं फोन ही नहीं उठा रहा। सो गया होगा, जाते घर से पिकअप कर लेते, सरप्राइज दे देंगे उसको जाके। हो सकता है क्योंकि इतने दिन बाद जिम गया था, फिर थक गया होगा, सो गया होगा। सो गाइस अभी विनीत की गली में तो आ चुके, अभी सीधा घर ही जा रहे हैं भाई उसके। अभी विनीत के घर पे भी आ चुके, तू भी चलेगा भाई? मैं, मेरे को कुछ काम है यार। क्या काम है भाई? स्नो वर्ल्ड में जा रहे हैं। अरे मम्मी को लेके जाना है। विनीत सो रहा है क्या? अरे कितने फोन कर लिए भाई तेरे पास। हेलो चलना भाई। कहाँ चलना भाई? खड़ा हो, चल चलते हैं, सरप्राइज है तेरे लिए। आते ही सो गया तू? मैं तो जब कैसे। ओए वो बांधा नहीं तूने हाथ पे? नहीं भाई, वो बोला तो था कि पंडित जी के पास जाए बांधना है। काम करो, कहाँ है ताबीज? कहाँ है? उठा ले भाई इसको, चल चलते मंदिर में, वो पंडित जी पहना देंगे। टाइम तो 7 बज चुके हैं, कोई बात नहीं, अंधेरे से पहले पहना ले, जल्दी चलो भाई। ऊपर बिल्ली बिल्ली होगी, ऊपर ऊपर कैसी हलचल हुई है भाई? बंदे की शक्ल दिख रही है भाई सामने। बंदा कहाँ दिख गया ये रहा भाई? अरे बंदे की शक्ल दिख रही है भाई, मेरे को भी दिखा था यार। गेट भी लॉक है भाई, अब कैसे हो सकता है वो भाई? से आ जाएगा वो, सब कुछ बंद है यार। ऐसे वहम हो गया होगा फिर भाई, यहाँ से देख रहा था वो नीचे। तो यार सबको दिखा था भाई, तू ये सब छोड़िए, ताबीज बनवाने चलते हैं भाई। वो खिड़की से कूद कूद के तो नहीं भाग गया? अरे बंद है भाई खिड़की, बंद है भाई, यहाँ पे कैसे आ जाएगा? अभी वहां से निकल के तो आ चुके हैं, और भाई अंधेरा होने में बस थोड़ी सी देर बाकी है, अभी सीधा मंदिर में जा रहे हैं। पहले वो धागा बंधवा लेते हैं, बाद में देखेंगे भाई सारी चीजें। घर की चाबी आगे रख दियो, कहीं घूमना हो जाए। घर की चाबी है? लोगों वगैरह करके आया? घर पे कोई नहीं है ना, पहले वो धागा बंधवा लेते हैं, फिर वापिस जाके फिर देखें भाई वो क्या सीन था। सब कुछ लोग थवाया कहां से? तो भाई अभी प्राचीन शिव मंदिर में तो आ चुके हैं। हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया। मॉडिफाई करा रखी है भाई, आगे से पीछे से पूरी स्टंट भी मारता है क्या? गिर मत जाइए भाई, बाय। तो गाइस अभी ताबीज बंधवा के तो आ चुके हैं भाई, फाइनली ताबीज तो बंधवा लिया, और भी पंडित जी नहीं थे, उनकी वाइफ ने बांध दिया। अब एक बार घर पे चलते हैं भाई, वो जो सीन दिखा था ना भाई, वो इसलिए दिखा होगा तब तक ये ताबीज नहीं बंधा था ना, अब तो बंध गया भाई, अब थोड़ी दिखेगा भाई। फिर भी एक बार घर पे चल के ना कंफर्म कर लेते हैं, अभी अगर दिखना होता मंदिर से यहाँ तक भी तो आए, यहाँ पे दिख जाता। क्योंकि वो तो रोकना ही चाहता था ना कि इसके हाथ पे ताबीज ना बंध पाए, आते वक्त भी दिक्कत कर सकता था वो हमें, अगर वो बंद नहीं ना देना चाहता होता तो। चल भाई एक काम करते, पहले घर देख लेते हैं चल के, फिर उसके बाद चल पड़ेंगे वहाँ पे। हाँ लोअर टी शर्ट चेंज कर लूंगा अभी, पहले घर साइड जा रहे हैं, एक बार वो दोबारा से जाके कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद इसके कपड़े वगैरह चेंज करा के फिर सीधा स्नो वर्ल्ड निकल लेंगे भाई। अभी घर के बाहर तो आ चुके भाई, ये चाबी तो उठा ले यार भाई, अभी ऊपर चल के देखते यार। यार यहाँ से उसकी शक्ल दिखी थी, फिर यहाँ से कहाँ गया वो? सुन ओए ये ऊपर वाली खिड़की खुली हुई है, देखियो बाहर। अरे छत भी कंबाइन है, कभी यहाँ से कूद के आ गया। सही कह रहा है यार, खिड़की भी खुली हुई थी भाई, वो खिड़की से कूद के गया पक्का। काम करते इस खिड़की को बंद कर दे ऊपर से, और इस गेट को भी लॉक कर देते हैं। ओए 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 विनीत गिर गया भाई। ओए विनीत, विनीत यार क्या हो गया इसके? ताबीज देख इसके हाथ पे, यार हाथ पे ही है भाई। अरे यार बेड पे लेटा इसे जल्दी। ओए कैसे आवाज आई भाई? ये भाई ऊपर से गेट, ठीक है भाई इसके पास रुक तू। ओ भाई गेट खुला हुआ यार, भाई खिड़की भी खुली है। बंद करी थी भाई यार, किसी ने खिड़की खोल के गेट खोल लिया। अरे यार यहाँ पे तो कोई नहीं है यार, यार कभी वो ना। ओए रुक, बंदा था क्या ये? ओ भाई साहब यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहाँ भाग गया वो? पता नहीं यार, यार उनको बता देता हूँ कि वो बंदा आ रखा है। क्या हुआ ओ भाई साहब? आ गया यार वो, भाई कहाँ गया यार वो? ओ भाई साहब कहीं भी नहीं दिख रहा, गली में भी नहीं दिख रहा। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? भाई इसका फेसबुक नीला हो गया सारा, देखियो। ओए ये तो वही वाली चीज हो रही है भाई, जो पहले हुई थी सेम वही चीज हो रही है भाई। इस बार तो और ज्यादा हालत खराब लग रही है इसकी, देखियो यार ये बनवाने के बाद कैसे हो गया ये? जल्दी उठा इसको भाई, हमारा चेहरा नीला पड़ गया यार। वही भी आ चुका, बैठ भाई जल्दी बैठ। इस पे आने के बाद भी हो गया, उसके बाद भी दिक्कत हो रही है यार। बिल्कुल नीला हो गया इसका, रिलीज न पहना गई भाई, वो पहनाने के बाद ठीक तो हो जाना था, पहनाने के बाद ही इसकी तबीयत खराब हो गई। एक काम कर जल्दी ले ले, पंडित जी तो जा रखे यार।
आंटी पंडित जी कहाँ जा रखे हैं? पंडित जी तो कहीं बाहर जा रहे हैं। तबियत खराब हो रखी है आंटी जी, देखना ये पहले वाला था बीज नहीं है। पहले वाला नहीं है ये? ये कौन सा बांध दिया? दूसरा बांध दिया। अरे ये वही वाला तो ताबीज है यार। ये कौन सा ताबीज आ गया? उसको निकाल देते भाई, फेंक दो निकाल के। अरे छोड़ दो भाई, अब तो ठीक हुआ यार मैं। भाई फेस नीला हो रखा था, फेस भी ठीक हो गया यार। पर ये क्या कह रहे थे वो ताबीज, ने तो सेम वही दिख रहा था भाई। ये सीन क्या हुआ भाई, ये निकालते ही अचानक ठीक हो गया यार? उन्होंने तो कहा था ताबीज पहनने के बाद ठीक होगा, ये क्या चक्कर? अरे ये दूसरा ताबीज क्या कह रही थी भाई? ये वही ताबीज नहीं है क्या? लग रहा हूँ बंदा नहीं दिखा आज घर पे, मेरे ताबीज वगैरह बदल दिया उसने। भाई साहब यार वो घर पे यही करने आया था क्या? बात देखो ना, जैसे ताबीज बांधा घर पे लाया और इसकी हालत बिगड़ती चली गई भाई। फिर कौन सा ताबीज है भाई? तो इस पे ब्लैक मैजिक कर रखा हो यार, इसको यार जला देते हैं, साथ में रखना भी गलत है भाई। यार उसने चेंज कर दिया तभी तो ये दिक्कत हुई है। तो अगर वो दूसरे वाला होता तो उससे तो ठीक होता भाई। रास्ते जिम वगैरह भी गए, बिल्कुल ठीक होने वाला था भाई। अभी हमें लग रहा है जो ताबीज पंडित जी ने दिया था ना भाई, वो मिसप्लेस हो चुका। वो बंदा है तो वो ताबीज उठा के ले गया, ब्लैक मैजिक वाला छोड़ गया। हाँ मिलेगा, मुझे लगता है बंदा जिस लोकेशन पे है ना वहीं पे मिल सकता अभी। सही कह रहा भाई, उसी के पास होगा वो। पर वो लेके आना बहुत जरूरी है, बेशक कितना रिस्क है पर वहाँ पे जाना तो पड़ेगा यार। जब वो छत पे से कूद के नहीं गया था तब उसके हाथ में मैंने ताबीज जैसे कुछ देखा, ताबीज देखा था शायद, फिर वही लेके भागा भाई। तो वैसे भी मंदिर से तो निकल लिए, एक बार वहाँ पे जाके देखते कि वो ताबीज वगैरह मिलता है। टाइम देखो रात के 11:30 बज चुके हैं, वैसे भी उस जगह पे तो पहुंच चुके हैं। अभी भाई अंदर देखने जा रहे हैं। आवाज समझ में नहीं आई भाई, किस चीज की आ रही है? क्या पता इतने बंदों को देख के दूर से भाग गए भाई। इसी घनी झाड़ियों में छुप के बैठता होगा वो यार। वो क्या चीज है? ऐसा लग रहा है सामने कुछ चमक रहा है। सामने कपड़े वपड़े पड़े हुए भाई, कोई रास्ता देख इन झाड़ियों में चल के देख के आते हैं। यहाँ पे पक्का उसने कुछ घर वर बना रखा हुआ भाई। नीचे से होके जाना पड़ेगा कब्रिस्तान में से। टाइम भी भाई 12 से ऊपर का हो रखा है। वो सामने क्या चीज चमक रही है भाई? भाई बेल पड़ी है सामने, यहाँ पे रीत को बांध रखा था यार उस दिन। पिछली बार तो ये बेल नीचे फेंक दी थी भाई, बेल यहाँ पे दोबारा से देखना उसमें अटका रखी है। कोई और भी बांध रखा था इसमें यार, मेरी तरह किसी और कोई पकड़ के लाए थे क्या यहाँ पे भाई? इधर उधर देखते हैं यार, कोई बांध के तो नहीं गिर भाई? देख रहा यार कुछ भी नहीं दिख रहा यार आसपास। टाइम भी 12 से ऊपर हो चुका है, यहाँ पे वो ब्लैक मैजिक वगैरह करके जा चुके हैं भाई। यार वो सब देखने थोड़ी आए थे यार, ताबीज ढूंढने आए थे, वो तो ढूंढ लो यार। ये जो घने पेड़ है इनके पीछे उसने कुछ बना रखा हुआ अपना रहने का। रास्ता कहाँ से है यार? नीचे कब्रिस्तान से। फाइनली सारे बंदे इकट्ठे हो गए भाई नीचे कब्रिस्तान साइड जा रहे हैं भाई। थोड़ा सा ध्यान रखना बस, किसी हड्डी वगैरह कंकाल पे पैर वैर ना रखा जाए। यार ध्यान से आना, देख सारा टूटा हुआ भाई। भाई काटे ही बहुत है, पैर में ना लग जाएगा भाई। भाई वो क्या चमक रहा है वहां पे? ओए लाइट सी दिख रही है क्या भाई? रुक रुक रुक, कुछ मोमबत्ती की लाइट आ रही है। रुक जा रुक जा रुक जा, खा ठीक है ना। मोमबत्ती की लाइट आ रही है उस पिलर के पीछे से। ओ भाई साहब वो बंदा मैं देख रहा यार। अरे नहीं यार वो सो रहा भाई, शायद सो रहा, सो नहीं रहा वो, देख रहा मैं। वो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा यार, देख भाई साहब वो तो सो रहा यार। भाई ये काम करना पड़े, अगर भाई कुछ ढूंढना इधर उधर तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा भाई। इसका ध्यान कैसे भटकाएंगे? फेंक देता हूँ उसकी साइड, जैसे वो उठेगा ना दो बंदे यहीं पे रुक जाएंगे और दो बंदे भाग जाएंगे भाई। एक को रिस्क लेना पड़ेगा भाई, चार बंदे तो यहाँ पे चाहिए यार। साइड भाग जाऊंगा ना भाई, वो जैसे मेरे पीछे आएगा तुम वापस। ना ना तू मत जा, तू मत जा। एक काम कर आशीष, तू कर ले, सारे यहाँ पे हम छिप जाते हैं, ऊपर जाके उस साइड आवाज करके जैसे उतरे पीछे है ना वैसे भाग जाइए यहाँ से। वो कहाँ चला गया वो? भाई एक काम करो यहाँ पे छिप जाओ यार जल्दी से, साइड आवाज करके भागना तेरे को। टाइम भी हमारे पास काफी कम होगा क्योंकि वो भाग के वापस आ जाएगा यार। काम करते जल्दी सारे इधर उधर फैल के जल्दी से वो ताबीज ढूंढो भाई। उसकी जो सामने जगह है ना वहाँ पे चल के देखते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। वापस आ रहा है भाई साहब, कैसी जगह है यार ये, सारा रास्ता ब्लॉक कर रखा आगे जाने का भाई। इधर उधर उसी कसी पड़ी भाई यार, ताबीज भाई ये कैसी ताबीज, ये कैसी आवाज भाई? ताबीज मिल गया यार, जल्दी निकल यार। सुबह जब यहाँ से तो निकल रहे और भी वहाँ पे ताबीज पड़ा हुआ था, वो ताबीज तो हमने उठा लिया। आशीष कहाँ है भाई? जल्दी अटैक तो नहीं कर दिया भाई उसने, जल्दी जल्दी निकल यार। भाई ये देख हमें ताबीज मिल गया भाई वहाँ पे तो था यार, ये तो वो आशीष के पीछे भाग रहा है। दूर दूर तक नहीं दिख रहा यार भाई, जल्दी से फोन मिलाओ, लेफ्ट गया राइट गया। अरे यार यहाँ पे भी कहीं पे नहीं दिख रहा यार, कितनी दूर चला गया वो। फोन भी नहीं लग रहा यार अब तो उसका, फोन मिलाता है भाई, कहाँ गया यार आशीष? आशीष भाई बंदा उसके पीछे भाग रहा है भाई। अरे आशीष कहाँ गया यार? दिख नहीं रहा,
भाई जंग ये आ गया, जल्दी बैठा भाई इसको, जल्दी बैठा भाई, जल्दी बैठ 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 जरो बंदा सामने भाई, मोड़ ले गाड़ी मोड़ ले भाई, जल्दी भाई उसको दिख क्या यार, गाड़ी के पीछे आ रहा है भाई, जल्दी मोड़ भाई, वो हमारे पीछे आ रहा है भाई, गाड़ी की चाबी नहीं दी थी से, वो तो उसके पैर में चोट लग रही, जब बचा मैं उससे पकड़ा नहीं गया मैं भाई, बहुत दूर तक पीछे लगा हुआ मेरे भाई, रिस्की हो गया था ये तो बहुत ज्यादा यार। तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी, पहले उसके दोनों पैर टूटे हुए थे और आज देखा तो एक ही पैर टूटा हुआ था भाई, इसका मतलब उसने ब्लैक मैजिक से एक पैर ठीक कर लिया यार। फिर तो तू ठीक कह रहा था, वो तेरे ऊपर नहीं, पता नहीं कितनों पे ब्लैक मैजिक करता होगा भाई, किसी ना किसी बंदे पे आज भी ब्लैक मैजिक हुआ है भाई। अभी वो ताबीज वहाँ से उठा के तो लेके आ चुके भाई, हमें ये लग रहा है कि वो बाबा जी ने जो ताबीज दिया था ना, वही ताबीज है। अभी एक तगड़ा सीन हो गया था भाई, आशीष के पीछे लगा हुआ था भाई, इसका पीछा ही नहीं छोड़ा, उसका एक पैर टूट रखा था, फिर भी लगड़ा लगड़ा इसका पीछा नहीं छोड़ा भाई उसने।